ये देखिए। याद है मैंने क्या कहा था कि उनकी नकली जीत को हार में बदल दूंगा? ये पहला कदम है। अगर आप ना होते तो शायद ये भी नहीं होता। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। अब बस कानून अपना फर्ज निभा दे तो आपको न्याय मिल जाएगा। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहाँ हो तुम? देखो मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है, प्लीज जल्दी आओ। रीना, रीना, रीना! अभिमन्यु, रीना, रीना, कहाँ है वो लोग? तुम ठीक तो ना रीना? कुछ बताओ रीना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? ये कैसा मजाक है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तुम तो नाराज हो गए। और क्या, तुमने ये भी नहीं सोचा कितना परेशान हो जाऊंगा मैं? स्टूपिड। अभिमन्यु, आई एम सॉरी। अभिमन्यु, आई एम सॉरी। अभिमन्यु, 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 आई एम सॉरी बाबा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है सुहान बाबू, थोड़ा अच्छा से समझाना पड़ेगा। वो देखो साला कैसा धोती उठाए चला आ रहा है। आइए आइए सोहन बाबू, खुश रहिए, बैठिए। अरे कुछ चाय चू पिला भाई इनको। जोरे चाय ले क्या हो? अरे दैलुआ, तू बताया नहीं हमको राजकाज कैसा चल रहा है हमरा? का बोले सरकार, अपने लोग ही बदनामी फैला रहे हैं। क्या पहले बुझा रहा है रे, साफ साफ बोलना। आप पतियाइएगा नहीं सरकार। तू बोल तो सही। अब क्या बोलें? अपने ही सुहाबन बाबू है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग में एकदम पैसे का गर्दा छुड़ा दिए हैं। अरे साला झूठ बोलता है का? तब भी ना कर रहे थे, आप पतियाइएगा नहीं। अरे पतियाने की बात ही नहीं है, सोहन बाबू हमारे खास आदमी है, जानता नहीं है का? चल माफी मांग इनका से। माफी? वो भी इनका से? अरे अपने आदमी तो पीठ में छुरा भोंकता है। सरकार पूछिए इनसे कि आप ही के नाम पर पैसा खाते हैं और ये फैलाते चलते हैं कि सीएम को पैसा देना पड़ता है। कहा सोहन बाबू, ये कहा सुन रहे हैं हम? लगता है बड़का घपला किया है इस बार। मंत्री रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना है तो जाइए यहाँ से। और बड़का बाबू आप जाइए इनके साथ, अब तक जितना कमाई किया उसका आधा लेकर आइए, और नहीं दे तो रेजिग्नेशन लिखवाइए। जाइए। हाँ खुश रहिए। बचाव पक्ष और लोक अभियोजक दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नरेंद्र वर्मा उर्फ बंटी और उसकी मां रामेश्वरी वर्मा निर्दोष हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अभियोजक पक्ष ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है, लिहाजा इन दोनों को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। मैं कुछ न कर सकी, माफ कर दीजिए मुझे। उस दरिंदे को सजा नहीं दिलवा सकी मैं। कितने खुश थे हम, मैं हार गई, हम हार गए। जब तक सूरज चांद रहेगा बंटी तेरा नाम रहेगा, यही नारे लगा रहे थे लोग हमारी रिहाई के बाद। जबकि ये सच है कि हमने किया है कुंती का बलात्कार, फिर भी लोग कर रहे हैं हमारी जय जयकार, क्योंकि हम हैं यहाँ के बेताज बादशाह। अरे यादव जी थोड़ा खैनिया तो बनाइए। अरे खड़े खड़े ससुर के गोड़ दुख गए हमारे तो। बनाते हैं बनाते हैं।
मतलब हार मान ले और चुपचाप बैठ जाए, यही कहना चाहते हैं आप? मिस्टर सिंह, मैंने सर्विस से रिजाइन करने का फैसला कर लिया है। रिजाइन? मैं रिजाइन नहीं कर सकता, मैं इतना कायर नहीं हूं। कायर तो मैं भी नहीं हूं मिस्टर सिंह। अगर मैं अपना फर्ज नहीं निभा सका तो ना सही, लेकिन मैं अत्याचार का साथ नहीं दे सकता। और वैसे भी मेरा दिल डिपार्टमेंट के काम से उब चुका है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये रही बंटी की पर्सनल डायरी की रिसीट, जिसमें उसने खुद लिखा है कि उसने कुंती के घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। उस डायरी को मैं अभी अभी पुलिस हेडक्वार्टर में जमा करके आई हूँ। अब आप लोग बंटी को गिरफ्तार कर सकते हैं। I hope this is the last thing to do. अब वो डायरी आखिरी कड़ी है बंटी की गिरफ्तारी की। आज बहुत खुशी का दिन है। खुशी इस बात की है कि हमारे सीएम श्री चंद्रमोहन बाबू के ऊपर एक किताब लिखी गई है। इस किताब में उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इस पुस्तक का विमोचन करें। चंद्रमोहन बाबू की जय। चंद्रमोहन बाबू की जय। यहाँ आई हुई सब जनता को हम प्रणाम करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि बंटी एक ऐसी माँ की संतान है जो समाज सेवा के लिए इस पूरे राज्य में विख्यात है और बहुत बड़ा काम किया है वो ये किताब लिख के। तो अब हम बंटी के मुंह से ही सुनते हैं कि वो क्या लिखा है इस किताब में हमारे बारे में। तो भाई बंटी आओ, तुम ही बताओ क्या लिखे हो इस किताब में। बंटी भैया की जय। बंटी भैया की जय। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। अब ये मुनासिब तो नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं ज्यादा कुछ बोलूं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरी किताब को पढ़ें, खास करके इनके चरित्र के बारे में। अभी इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। जी सर। मेरे पास आप दोनों का अरेस्ट वारंट है। सर दिल्ली से कॉल है। दिल्ली से? हेलो सर। मिस्टर प्रधान, आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप रामेश्वरी को अरेस्ट नहीं करें। बट सर, वी हैव गॉट एविडेंस। हेल विद योर एविडेंस। यहाँ सरकार खतरे में है, आपको पता है ना कि कोएलिशन की सरकार है। मगर सर मेरी बात सुनिए सर। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्सक्यूज मी। यस सर। अभी इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं सर? ऊपर से ऑर्डर है। आइए। क्या ऑर्डर है सर? रुकिए मिस्टर सिंह। लेकिन हमारे पास एविडेंस है सर। सर मुझे दिल्ली वापस बुलाया है। क्या बात है एसपी साहब, अब जबकि पुलिस के पास में रामेश्वरी देवी का गिरफ्तारी वारंट है, तब आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हाँ, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। कहते हैं सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में है। गिर जाए साली ऐसी सरकार, हम तो बस कानून के पुतले बनकर रह गए हैं। रामेश्वरी जी, सुना है पुलिस आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लाई थी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे भाई, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। षड्यंत्र चल रहा है हमारे खिलाफ, हमें बदनाम करने की साजिश है ये, मगर हमें कोई डर नहीं, हम तो बस जनता के सेवक हैं। नमस्कार। क्या है भाई, आप लोग काहे एक प्रतिष्ठित महिला से इस तरह के सवाल करके छेड़ रहे हैं? शर्म नहीं आती का? जाके पूछे अपनी अम्मा से, कोई माँ अपने बेटे को बलात्कार करने में मदद करेगी? और एक बात बताइए, किसने कहा आपसे कि बलात्कार हुआ है? और अगर हुआ भी है तो आप वहाँ कैमरा लेके फोटो खींचने गए थे? चलिए जी, चलो कल के लिए हेडलाइन मिल गई। माफी चाहता हूं, इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में सियासत की जगह भूल गया था। मुझे हमेशा अपने उसूलों पर गर्व रहा है, लेकिन आज मैं अपने उसूलों को भूलकर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अपने आप को इंसाफ दिलवाइए। जीत हासिल करने के कई तरीके होते हैं,
आप भी एक तरीका अपना लीजिए, कानून अपने हाथों में लीजिए। हां यह सब मैं कह रहा हूं क्योंकि इस जंग में मैं आपके साथ हूं। जब वर्दी और कलम दोनों झूठ के सामने झुक जाते हैं तो उस वक्त इंसान के हाथ में सिर्फ एक ही हथियार बचता है, उसकी अपनी ताकत। आज हम एक होकर उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अभिमन्यु जो तुम कह रहे हो उसमें बहुत खतरा है। इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ करने से पहले मुझे अपने एडिटर से दिली बात करनी होगी। तो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। हेलो। हेलो एडिटर साहब, मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ रीना बोलिए। मैं आपसे एक ऐसी खबर छापने के लिए परमिशन चाहती हूँ जो अब तक जर्नलिज्म के एथिक्स के बाहर है। एथिक्स के बाहर है? ऐसा क्या काम है? देखो ये ठीक नहीं है। सो प्लीज हैव फेथ इन मी सर। ठीक है, लेकिन अपनी पूरी जिम्मेदारी का ध्यान रहे। ओके। हेलो कुंती जी, मैं रीना बोल रही हूँ। हमने मिलकर कुछ ऐसा सोचा है कि जी कैसे नहीं पहचानेंगे आपको, बोलिए कैसे याद किया? कब मिला है बोलिए। ओके 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 यप। मैडम। क्या है? सो रही हूँ। मैडम फोन है। कह दो सो रही हूँ। सीएम साहब का फोन है मैडम। हेलो। अरे क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा बंटी का सरकार गिराएगा हमरी। अरे अब क्या कर दिया है बंटी ने। इल्लो सारी लंका जल गई, इन्हें खबर ही नहीं। अरे अखबार नहीं पढ़ी हो का आज का? अरे बोलो भाई बंटी से, अपनी हरकतों पे जरा लगाम लगाए, कब तक बचाते फिरेंगे हम उसको। हेलो बेबी। हेलो बच्ची है, समझती नहीं। आइए आइए ना। स्टाइल में है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पिछली बार सब कुछ जल्दी हो गया था ना, आज सब आराम से होगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। छोड़ दे हरामजादे। ये था तुम्हारा प्यार, अब बताता हूँ क्या होता है प्यार। सॉरी हरामजादी, तेरे को तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, तुमको तो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, खेली कदम काट डालूंगा तेरी तो मैं। आ! 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 आ!
मम्मी सुनो नारी धरती नारी अंबर नारी ही संसार है नारी दुर्गा नारी काली नारी तारणहार है माफ कर दो मुझे माफ कर दो मारो मारो बेटी मारो मारो इसे मारो इसे मारो मारो हरमजादी को देख पहले फोन करके बुलाती है साली उसके बाद डंडे चलाती है। अरे तुम्हारा तो जिस दिन मैंने चरणामृत पिया था ना उसी दिन प्रसाद खाके तुम्हारा स्वाहा कर देना चाहिए था। अरे स्वाहा तो मैं तुम्हारा करूंगी, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी खानदान की औरतें बेटा पैदा करने में भी कतराएंगी। यस साली ले जा साली को, आज हम तुमको बचाओ और मैं नचाते हैं। चल साली हरमजादी क्या समझी थी क्या हा? देख जनता देख, बहुत चिल्ला रही थी बहुत आवाज उठा रही थी, आज उसी जनता के सामने मैं तेरा क्या क्या उठा रहा हूँ देख। ए बंटी भैया ये मैडम जी का क्या करना है? अब देखो हम तुमको फ्री शो दिखाते हैं, फ्री शो। फ्री शो ये क्या होता है बंटी भैया? तुमको नहीं पता ना? तुमको भी नहीं पता, देखो क्या होता है। कुंती जी प्लीज, कुंती जी हमारे बच्चे फ्री शो देखना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगे प्लीज। हट, तू फ्री शो देखना चाहता है ना? हाँ तो देख, जब तेरी नजर इस छाती पर गिरेगी ना तो अपनी माँ की छाती याद कर कमीने, जिसका दूध पीकर आज तू इस घिनौनी हरकत के काबिल हुआ है। अरे गलती तुझ में नहीं उस दूध में है जो जहर बनकर तेरी नस नस में दौड़ रहा है। जा अपनी माँ से पूछ कर आ कि किस फ्रीशो की पैदाइश है तू। जा साली हरामजादी, नंगा ना जाऊंगा बाजार में तुमको। कर और कर भी क्या सकता है तू? उस दिन मेरे कपड़े उतार कर मेरा जिस्म देखा था ना? हाँ आज तू मेरी शक्ति का कहर देखेगा। ए! रुक, बहुत हो गया बोल बच्चा, अब होगा डायरेक्ट एक्शन। साला एसपी फिर तो आ गया बीच में रे, एक फोन पे वर्दी उतरवा देंगे साले। लगता है तू पिछली बार की मार भूल गया है। ये वर्दी किसी रंडी की साड़ी नहीं है जिसे कोई नेता या मंत्री जब चाहे इलेक्शन का टिकट देकर उतार ले। तेरी तो गलत हो साले को। No.
जुल्म का जब भी पताका दुनिया में लहराया है, युग युगों में जौहर अपना नारी ने दिखलाया है। वध किया है हर कदम पर जुल्म करने वालों का, हल किया है नारी ने दुनिया के हर सवालों का। चलो ऑटो। ब्रिजभूषण जी, मेरे बेटे को बचाओ वरना जनता उसे मार डालेगी। मैडम आप फिक्र मत करो, हम उसको बचा के लाता हूँ। तो जाओ, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अबे हटो यहाँ से, रास्ता दो, चलो हटो। अरे चलो दे, अरे हटो, चलो दो, रास्ता दो। मैडम जनता बगावत पर उतर आई है, हमको घुसने नहीं दे रहे। बकबक बंद करो ब्रिजभूषण, मेरे बेटे को वहां से निकालो, मेरा ऑर्डर है, इन पे फायर करो। अरे कैसे फायर करें, इतने लोग मर जाएंगे तो जिम्मा किसका है? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तुमसे कहा ना फायर करो, वरना मैं तुम्हें चौक में नंगा ना चाहूंगी। ब्रिजभूषण जाओ। ठीक है जिम्मा आपका है, हमारा नौकरी नहीं जाना चाहिए। हाँ ए हवलदार, फायर। कोई फायर नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, ये लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। आप घबराइए मत, आपके बेटे को मरने नहीं दूंगा। मिस्टर ब्रिजभूषण जी सर, गाड़ी में बंटी के दोस्त हैं, उन्हें अस्पताल ले जाओ। लेकिन सर हम यहाँ कंट्रोल अभी ले जाओ। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम जाते हैं। मैडम हम जा रहे हैं। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को बचाओ, वो उसे मार डालेंगे। हम तो सिर्फ कानून के रक्षक हैं, और कानून आपके हाथ में है। वैसे आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बंटी को मरने नहीं दूंगा। उसे मार डालेंगे, उसे बचाओ। घबराइए मत, मैंने बोला ना। तुम जैसे को सीधा करना आता है मुझे। डरिए मत, सही वक्त पर जाऊंगा मैं। चंद्र बाबू, मैं रामेश्वरी बोल रही हूँ। हाँ रामेश्वरी जी बोलिए। यहाँ पब्लिक बंटी को मार डालेगी, और ये इंस्पेक्टर यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहा है। आप क्या बोल रही हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? मैं रामेश्वरी बोल रही हूँ। अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कम वक्त मोबाइल वा का सिग्नल वा भी टूट जाता है बार बार। हेलो हेलो पब्लिक बंटी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में बात करिए। किस किस से माफी मांगोगे तुम बोलो, किस किस से माफी मांगोगे? तुम्हारी वजह से मेरी बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई, उसके लिए माफ कर दूं? बोलो। तुम्हारी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए माफ कर दूं? बोल कमीने। सबके सामने कहना होगा कि तुमने कितने पाप किए। बोल बोल हरामजादे बोल। बता दो, बता दो, बता दो, हमने बलात्कार किया, हमने
बलात्कार किया है, मैंने बलात्कार किया है, मैंने उसका बलात्कार किया है, मैंने रीना को डराया है, मैंने सना को धमकाया है, मैंने पाप किया, गुनाह किया, जुर्म किया, मैंने कुंती का बलात्कार किया है, किया है गोर कंदोर कुंती का बलात्कार किया है। नहीं कुंती नहीं, ये उन्हीं का उसूल था। हाँ ये उन्हीं का उसूल था, मुजरिम को सजा कानून देगा। अब ये पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा, यही इसकी सजा है। चल इसके आंचल से है झड़ते हर घड़ी ममता के फूल, श्रद्धा से माथे चढ़ा लो नारी के चरणों की धूल, खींचते हैं जो भी आंचल देवी रूपी नारी का, वध करो उस पापी अत्याचारी का। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये काले बादल फिर हमारी जिंदगी में ना आए। बेटी, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि जो कुछ भी तुमने देखा, सहा, उसका साया भी तुमसे दूर रहे, बस। हाँ, इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देना। तुम दोनों कल जा रहे हो? जी, कल सुबह। साथ में ना? हम दोनों का मिलन भी एक तरह से आपके वजह से ही हुआ है। और अगर हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। बताओगी ना? हाँ अंकल। अच्छा।